हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको पैरालिसिस से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां देते हैं। ऐसे ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फेस पैरालिसिस के बारे में कुछ खास जानकारी, जहां हम आपको बताएंगे फेस पैरालिसिस होने के कारणों के बारे में। साथ ही हम आपको इस समस्या के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी भी देंगे। तो चलिए जानते हैं चेहरे पर लकवा यानी कि फेस पैरालिसिस होना एक गंभीर समस्या है। ये परेशानी अक्सर तब होती है जब चेहरे की नसों में खराबी आने के कारण मसल्स कमजोर हो जाती हैं, या फिर काम करना पूरी तरह बंद कर देती हैं, तब चेहरे पर लकवा होने की समस्या आ जाती है। इस परेशानी में पेशेंट्स को बोलने, खाने और पीने में दिक्कत हो जाती है और इससे चेहरे के आकार में भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इस बीमारी के कुछ कारणों के बारे में, जैसे कि हर्पीज इन्फेक्शन, डायबिटीज, कान और ब्रेन का कैंसर, कान का इन्फेक्शन, एक्सीडेंट की चोट, कान की हड्डी यानी टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर, हाइपोथायराइड, पैराटिड ग्रंथि का ट्यूमर, ब्रेन एब्सेंस, स्ट्रोक और हैमरेज। अगर आप या आपका कोई अपना इन समस्याओं का शिकार है तो ये फेस पैरालिसिस का कारण बन सकते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर में होने वाली इन समस्याओं को अनदेखा ना करें और इसके लिए एक सही इलाज लें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप पैरालिसिस की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको पैरालिसिस से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है और यह उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप पैरालिसिस से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।